So hello everyone, what's up and once again welcome back to our body chain Russian photography. Guys, आज के इस नोट के अंदर मैं आप लोगों केवल पिक्सार एप्लीकेशन में फोर टूल का यूज करके यानी कि यहाँ पर AI रिप्लेस, AI इनहेंस एंड यहाँ पर एडजस्ट टूल एंड यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं रिमूव डॉट विजिट टूल सारे टूल का यूज करके आप लोग कुछ इस टाइप का सीवी बैकग्राउंड फोटो को यहाँ पर एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोग बिफोर का फोटो यहाँ पर देख सकते हो एंड आफ्टर का फोटो यहाँ पर देख सकते हो। मैंने इस तरह का फोटो को यहाँ पर इस तरह का एडिट करना बताया है। तो अगर आप लोग को पिक्सार एप्लीकेशन में इस तरह का सेम टू सेम फोटो को एडिट करना है तो वीडियो को लास्ट से जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है आप लोग को तो इस वाला वीडियो को आप लोग एक लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लोग को जिस फोटो को एडिटिंग करना है आप उस वाले फोटो को यार पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। और फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टूल्स के आइकॉन के ऊपर एक बार टैप करके एडजस्ट वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। और सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, अपने फोटो के अंदर लाइटिंग वगैरह को एडजस्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हल्का सा इसके ब्राइटनेस को इस टाइप से बढ़ाता हूँ और हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाता हूँ यहाँ पर इस टाइप से। ये मतलब आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हो, जितना भी यहाँ पर टूल है सभी का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अमाउंट को बढ़ा के यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ। तो इतना वर्क करने के बाद अभी आप लोग क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर आप लोग का इफेक्ट नाम से एक टूल देखने को मिलता है, मार्क करके दिखलाता हूँ। तो इस वाला इफेक्ट के ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ सेकंड नंबर पर सिंपल वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसको आप लोग को सबसे लास्ट में यहाँ पर इस तरह से करना है, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में आप लोग को सैचुरेशन के नाम से इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये वाला इफेक्ट। तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करके इसके अमाउंट को आप लोग को फुल बढ़ाना है इस तरह से यहाँ पर। और सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इरेजर के ऑप्शन पर टैप करके दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग को जूम करना है इस टाइप से और अपने फेस पर से इस वाला इफेक्ट को यहाँ पर रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पर फेस पर से इस वाला इफेक्ट को रिमूव कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो वेल अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है इस तरह से और अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फेस के ऊपर यहाँ पर वर्क करेंगे, लाइक अपने फेस को यहाँ पर स्मूथ प्लस वाइट करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन के अंदर डाटा को यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लीजिएगा और यहाँ आप लोग का इफेक्ट के जस्ट नीचे रिटच के नाम से टूल देखने को मिलता है। तो इस वाले टूल के ऊपर एक बार क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, स्किन टोन वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, सेकंड वाला कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पर ऑटो के ऊपर क्लिक कर देना है इस तरह से। तो ऑटो पर क्लिक करने का फायदा ये है कि आपका मतलब फेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर वाइट हो जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो यहाँ पर आप लोग। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको डन करना है इस तरह से और यहाँ पर आप लोग को स्मूथ नाम से टूल देखने को मिलेगा फोर नंबर पर। तो इस वाला स्मूथ के आइकॉन पर टैप करके इसको भी आप लोग मतलब ऑटो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसके अमाउंट को यहाँ पर फुल बढ़ा के सिंपली एक बार डन करना है और दोबारा से यहाँ पर स्मूथ के ऑप्शन पर टैप करना है क्योंकि एक बार मतलब बेटर तरीके से नहीं हो पाता है। और अगेन आप लोग को इसके अमाउंट को बढ़ा के अब यहाँ पर इसको फाइनली पूरे डन कर देना है। देन अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ पर क्या करना है, फोटो को जूम करना है पूरे और कलर के ऑप्शन पर टैप करके इसको रेड कलर सिलेक्ट करके एडजस्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसके ऑपोसिटी को हल्का सा माइनस स्कोर करना है और हार्डनेस को फुल मतलब माइनस स्कोर करना है और अपने लिप्स को यहाँ पर कुछ इस टाइप से कलर करना है। और अब सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको आप लोग को राइट क्लिक करना है। तो मेरे भाई अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मतलब यहाँ पर ड्रेस के कलर को चेंज करने वाले हैं, मतलब पूरे यहाँ पर ड्रेस को चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टूल्स के आइकॉन के ऊपर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग को मतलब AI रिप्लेस के नाम से टूल देखने को मिलता है, अगर ये टूल शो नहीं होता है तो आप लोग इस वाला वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है इस तरह से और देन यहाँ पर क्या करना है, ब्रश साइज को हल्का सा कम करके फोटो को आप लोग को जूम करके अपने पूरे मतलब कपड़े के ऊपर यहाँ पर ब्रश को ड्रॉ करना है। जितना आप लोग मतलब सही तरीके से करोगे उतना ही यहाँ पर आपके फोटो में कपड़े वगैरह यहाँ पर चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइम देकर अच्छे तरीके से यहाँ पर करता हूँ इसको इस तरह से।
भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, टाइम देकर काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपने कपड़े के ऊपर ये वाला ब्रश को ड्रॉ कर लिया हूँ। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, रिप्लेस वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है इस तरह से, और जिस कपड़े को यहाँ पर लगाना है उस कपड़े को यहाँ पर सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैन जैकेट करके यहाँ पर सर्च करता हूँ और सिंपली यहाँ पर जनरेट इमेज के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जनरेट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप लोग से ना दो फोटो यहाँ पर शो करेगा। तो अगर आप लोग को ये दोनों फोटो पसंद आए तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी अगर पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर शो मोर रिजल्ट के ऑप्शन पर टैप करके इसको आप लोग मतलब और यहाँ पर देख सकते हो, और दो फोटो यहाँ पर शो करेगा। तो मुझे यहाँ पर ये वाला मतलब जैकेट पसंद आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके ऊपर एक बार क्लिक करके यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर दूंगा। तो अब बारी है अपने मतलब बैकग्राउंड को यहाँ पर बनाना। तो बैकग्राउंड को वन क्लिक के अंदर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिमूव डॉट बीजी के ऑप्शन पर एक बार आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है इस तरह से। तो आपका मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड एक क्लिक के अंदर रिमूव कर देगा, आप लोग देख ही सकते हो। बाकी अगर आप लोग अपने हिसाब से करना चाहते हो तो यहाँ पर इरेजर ब्रश के ऑप्शन पर टैप करके थोड़ा बहुत आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर लीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जूम वगैरह करके यहाँ पर जो मतलब नहीं किया है उसको यहाँ पर इस टाइप से मैं कर लेता हूँ इस तरह से। एंड अब यहाँ पर क्या करना है, इसको आप लोग को राइट क्लिक करना है इस तरह से, और अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको ऊपर की ओर करके यहाँ से ड्रॉ टूल वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार टैप करना है इस तरह से, और सबसे पहले क्या करना है, दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग को जूम आउट यहाँ पर कर लेना है, और यहाँ पर क्या करना है, ऐड ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर टैप करके फोटो वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 50+ से भी बैकग्राउंड दूंगा, तो आप लोग को जो पसंद आता है आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक को यहाँ पर ऐड करके दिखलाता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला ऐड किया, और यहाँ पर क्या करूँगा, डन वाला ऑप्शन पर टैप करके इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने हिसाब से जूम करूँगा फोटो के अकॉर्डिंग, लाइक कुछ इस तरह। एंड अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मतलब लेयर के ऑप्शन पर टैप करके इसको आप लोग को नीचे की ओर इस तरह से करके यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है बस। सो गाइज अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करके आप लोग कुछ मतलब PNG वगैरह को ऐड करना है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले मतलब बोके इफेक्ट के PNG को ऐड करके इसको मैं यहाँ पर फुल जूम करता हूँ, और ब्लेंडिंग को यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ, और यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर दूंगा। अब दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो PNG को और ऐड यहाँ पर करता हूँ। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 PNG को ऐड किया, जो कि एक टेक्स्ट की PNG है, और एक लाइट PNG है, और एक मतलब यहाँ पर टैटू की PNG है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाला टैटू PNG को हम लोग जूम आउट वगैरह करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अपने हैंड में यहाँ पर इस टाइप से इसको एडजस्ट करूँगा, लाइक कुछ इस तरह, और हल्का सा इसके ऑपोसिटी को यहाँ पर डाउन कर दूंगा इस तरह से। और अब इस वाले यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट की PNG को लाऊंगा इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस टाइप से एडजस्ट करूँगा। और अब देन यहाँ पर क्या करते हैं, लाइट PNG को यहाँ पर ला के इसको भी मतलब ब्लेंडिंग को यहाँ पर चेंज कर देते हैं, और फाइनली यहाँ पर इसको राइट क्लिक करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हेयर को बनाने वाले हैं। तो हेयर को एक क्लिक के अंदर बनाने के लिए ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारे हेयर PNG का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग का फोटो में जो एडजस्ट करे आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस वाले को लगा के यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ। तो हमारा फोटो यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। बच गए अपने मतलब फोटो को यहाँ पर HD के अंदर बनाना। तो फोटो को HD के अंदर बनाने के लिए टूल्स के ऑप्शन पर टैप करना है, और यहाँ पर क्या करना है, सबसे लास्ट वाले मतलब टूल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो कि AI इनहेंस के नाम से है। तो मैंने इस वाला टूल का यूज करके अपने मतलब फोटो को यहाँ पर HD बना दिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। पहले इसके अमाउंट को यहाँ पर फुल बढ़ाना है, और आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हो यहाँ पर कितना चेंजिंग आ चुका है। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ये वाला मतलब लाइन को आप लोग को लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पर रख के यहाँ पर सिंपली इसको राइट क्लिक करना है। तो अब फोटो का यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव करने के लिए सिंपली ड्रॉ टूल के ऑप्शन पर टैप करना है इस तरह से, और 3 डॉट वाला ऑप्शन पर टैप करके आप लोग अपने फोटो को गैलरी के अंदर सेव करना है।